नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, इसे कैसे रिपेयर किया जाता है इसे हम देखेंगे। एक तो सबसे पहले इसे हम देखते हैं ये डेड कंडीशन में है और इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसे कैसे चेक करते हैं उसे हम देखेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद हम LG का है उसमें हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस मॉनिटर को हम रिपेयर करते हैं और रिपेयर करने से पहले यहाँ पर हम जैसे इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पर दो बोर्ड दिखाई देंगे जो कि एक है पावर सप्लाई का और एक है लॉजिक बोर्ड इसमें और एक है पैनल। तो हम सबसे पहले हम पावर सप्लाई को चेक करते हैं और पावर सप्लाई को चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे केबल जो हमारा मेन केबल होता है उसे हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी, और नेक्स्ट उसकी जो इनपुट सप्लाई है उसको हम पावर सप्लाई के बोर्ड तक उसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर एक डाउट ये भी होता है कि सप्लाई इन होती है उसके बाद भी कोई फंक्शन काम नहीं करता। देखिए, इसे रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसमें पावर सप्लाई चेक की जाती है, ये इसका पावर सप्लाई है और इसका लॉजिक बोर्ड है। इसमें हम सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद हम इसकी सप्लाई चेक करते हैं, और वो सप्लाई सबसे पहले कहाँ चेक करेंगे, इनपुट पॉइंट पर जो ये हमारी मेन केबल गई है। अब इसमें यहाँ पर दिखा दें ये ऑटो के रेंज पे मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर पे ये AC वोल्ट यहाँ पे शो करेगा जो कि 211 वोल्ट शो कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं बेसिक वोल्टेज जो कि इसे ऑपरेट करने के लिए जो वोल्टेज होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो है 26 वोल्ट और यहाँ पर जो है 3.5 वोल्ट। अब ये जो है ये जो ऑन नहीं हो रहा है ये यहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए जो इस समय ये 3.5 वोल्ट दिख रहा है, और यहाँ पे जो है इसका वोल्टेज है 26 वोल्ट। अब यही वोल्टेज यहाँ पे जब देखिए ये जो 3.3 वोल्ट से जैसे ऑपरेट होता है ये लॉजिक बोर्ड, अब यहाँ पे इसके रेगुलेटर ये है 3.3 के। अब यहाँ पर निगेटिव का प्रॉब यहाँ पर लगाएंगे तो लगाने के बाद इसके बीच वाले पॉइंट पर देखें ये 2.6 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट होगा तभी ये LED यहाँ पे जलेगी यानी डिस्प्ले वाला, जैसे यहाँ पे ये डिस्प्ले यहाँ पे शो करेगा। अभी डिस्प्ले नहीं शो कर रहा है इसलिए कि ये कंप्लीट यहाँ पे लॉजिक सप्लाई जो यहाँ पे होती है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इनपुट सप्लाई जो अभी पावर सप्लाई पर देखे हैं ये देखिए 3.6 वोल्ट इन ही हो रहा है इस पर। तो इसे सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं, इसे सप्लाई को निकाल देते हैं यहाँ पे और इसे यहाँ पर दिखा दें। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दो कैपेसिटर फूले हुए हैं, यानी ये जो 5 वोल्ट बनता है यहाँ पे ये जो कॉइल के थ्रू जाता है यहाँ से, तो इस दोनों कैपेसिटर को हम चेंज करते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर इसे सप्लाई हम देते हैं, सप्लाई देने के बाद हम दिखाते हैं इसमें
मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद आप इसे सप्लाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्लो किया यहाँ पे, ठीक है। और देखो डिस्प्ले आके बंद हो गया, यानी अभी यहाँ पे इसकी जो सिग्नल यानी बीजीए पोर्ट यहाँ पे लगेगा केबल। अब यहाँ पर अगर इसे सिग्नल नहीं मिलेगा, यानी ये अगर यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ये जो हमारा बीजीए पोर्ट है केबल, इसे हम यहाँ निकाल देते हैं। ये देखिए गायब हो गया डिस्प्ले, ठीक है। अभी अभी बंद हो जाएगा, नो सिग्नल लिख के, और यहाँ पे ब्लिंक करेगा, ठीक है। अभी ब्लिंक करेगा, यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं देगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ये लगाते हैं, जैसे बीजीए केबल लगाए यहाँ पे, देखिए डिस्प्ले आ गया लगाते ही। तो यानी ये क्लियर हो गया कि इसे अगर आप निकाल देंगे यहाँ से ऐसे, तो ये एक बार डिस्प्ले देगा नो सिग्नल का, उसके बाद ये ब्लिंक करने लगेगा, ठीक। तो इसमें हमने जो है यहाँ पर देखिए ये दो कैपेसिटर चेंज किए हैं, और बाकी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। स्लाइड देते हैं तब देखें, ये देखिए नीचे साइड में देखिए लिखा हुआ 3.3, तो ये बीच में इसका आउटपुट मिलता है 3.3, और यहाँ 5 वोल्ट इन होता है, जिससे हमारा ये लॉजिक बोर्ड काम करता है। ये देखिए यहाँ पे ये 3.3 वोल्ट सप्लाई इसको मिलती है, और ये जैसे LVDS केबल यहाँ पर देखें, ये जो है इसका जैसे जो पीयर अलग अलग बना होता है, जैसे डाटा 0+, डाटा 0- ऐसे, ये डाटा 1+, डाटा 1-, तो इसी तरीके से इसमें कनेक्शन आते हैं। और यहाँ ये जो है कनेक्शन की डिटेलिंग है, BCC हुआ और बैक लाइट एनेबल, PWM, PBC, जो इसकी 25 वोल्ट की सप्लाई जाती है बैक लाइट के लिए, ऑक्सिलरी प्लस माइनस सप्लाई, जो NC पॉइंट छुटा हुआ है। इसमें सारे पेयर यूज नहीं किए गए हैं, ये एक अलग डिज़ाइन है, जो कि हम इसका डिटेल नेक्स्ट बताएंगे, क्योंकि इसके भी रिपेयरिंग के वीडियोज उस पर नहीं है यूट्यूब पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके कुछ डिटेल बताया जाए, और इसे रिपेयरिंग को जो आसान बनाने के लिए। यहाँ पर देखें ये इसका पैनल है, जैसे BOE का पैनल उसमें लगता है, ऐसे इसमें भी जो है ये पैनल लगता है, और यहाँ पे इसका कनेक्शन दिया गया है LVDS केबल का।